गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख लीजिए कैसा मौसम हो गया है यहाँ का। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। और आज मुझे मिला है टास्क बेसन के लड्डू, तो चलिए बताती हूँ मैं कैसे बनाऊँगी बेसन के लड्डू। तो चलिए बनाते हैं बेसन के। तो देखिए मैंने ये थोड़ा सा बेसन ले लिया है, ये 250 ग्राम के करीब मैंने बेसन लिया है। इसे मिलाने के बाद में फिर मैं गैस पे रख के इनको भून देती हूँ। देखिए गैस पे रख देते हैं और भूनते हैं। मेरे पति देव को लड्डू खाने का बहुत शौक है, तो इसलिए कुछ ना कुछ ये टास्क मुझे देते रहते हैं, और इसीलिए आज मैं बना रही हूँ इनके लिए बेसन के लड्डू। फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो इस वीडियो में आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा, और वो सरप्राइज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस वीडियो में आपको सरप्राइज़ क्या मिला और इस वीडियो में आपने क्या देखा। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को एंड तक देखिए, और ध्यान रहे कि बिल्कुल नीचे ना लगे और इसका कलर ही चेंज हो, नीचे जले ना। देख लीजिए मेरा बेसन भून गया है, अच्छे से भून गया है। अभी इसका कलर चेंज हो गया है बेसन का। अब मैं इसमें मिला दूंगी ड्राई फ्रूट्स। अब ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, मैं इसमें पीस पीस के इनको मिक्स कर देती हूँ, मिला देती हूँ। मेरे पास आज ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं थे क्योंकि कई दिन से मार्केट नहीं गई हूँ, तो काफ़ी ड्राई फ्रूट्स मेरे पास नहीं थे। मेरे पास थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और अखरोट पड़े थे, तो मैंने उन्हीं से ही मैं बना रही हूँ। इनका मन था कि बेसन के लड्डू बना, तो मैं इनके लिए बेसन के लड्डू थोड़े से ड्राई फ्रूट से ही बना रही हूँ। तो देखिए मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें पीस के डाल दूँगी। मैंने सारे जो अखरोट थे वो भी पीस लिए हैं और इसमें सारे मिक्स कर दूँगी। मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी मेरे पास अवेलेबल थे वो डाल दिए हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में ही इलायची पीस ली है जिससे खुशबू हो, और ये चीनी का पाउडर मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और आज मैं इसको बनाऊंगी घी के साथ में, तो देखिए मैं इसमें अभी घी डाल दूंगी। अच्छे से चीनी मिक्स कर देती हूँ इसमें, फिर इसमें डालूंगी घी। अभी मैं इसमें देखिए बीच में खाली जगह बना लेती हूँ और मैं इसमें डाल दूंगी घी। देखिए मैंने इसमें घी मिक्स कर दिया है और मैं इसमें और थोड़ा सा घी मिक्स करूंगी। पहले मैं इसको इससे ही चमचे से ही थोड़ा सा चला दूंगी और बाद में मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर करके इसके लड्डू बना दूंगी अभी। तो देखिए इसमें हम अपना ये घी मिक्स कर लेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम घी मिक्स करेंगे। अगर हम ज़्यादा घी मिक्स कर देंगे तो हमारे लड्डू बहुत पतले बनेंगे, फिर हमें फ्रिज में रखने पड़ेंगे। और जितना हमें ज़रूरत है उतना ही डाल दीजिए। अभी जैसे हमारे इसमें जो हमने ये पेस्ट बनाया है इसमें हमारे ये घी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो ऐसे ही ये सारा घी इसमें डाल के इसको अच्छे से मैश कर दीजिए। देखिए हमारा सारा मिश्रण मिक्स हो गया है, अब हम इसके धीरे धीरे लड्डू बनाएंगे। हम इसके लड्डू बनाने शुरू करेंगे। हाथ में ले लीजिए छोटा, जितने आपको बड़े लड्डू बनाने हैं आप उनको बनाते जाइए। मैं आज इसमें दोनों हाथ नहीं लगाऊंगी, एक ही हाथ से सारे लड्डू बनाऊंगी, ठीक है? देखिए कितने अच्छे से बन जाएंगे हमारे लड्डू। ये देखिए गोल बिल्कुल बन गया है। ये मैंने रख दिया प्लेट में। अब दूसरा उसी तरीके से, आपको क्या साइज रखना है, छोटा रखना है बड़ा रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग बहुत छोटे लड्डू बनाते हैं, कोई बड़े बड़े बनाते हैं। मैं मीडियम साइज के बनाती हूँ। तो धीरे धीरे हम फटाफट इनको देखें ऐसे अपने पाम के बीच में राउंड राउंड करते हुए लड्डू बना देंगे। ये देखिए मेरे दो लड्डू बने, अलग अलग रख देती हूँ। देखिए दूसरा लड्डू बना रही हूँ, ऐसे ही मैं सारे लड्डू बना लूँगी। देखिए ये बन गया। फटाफट
फटाफट बना के भगवान जी को भोग लगा दूंगी, फिर आप सब खा लेना, ठीक है। आओ भोग लगाओ भगवन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से, आओ मेरे भगवन आओ भोग लग, मेरे भगवन रुचि रुचि भोग लग, मेरे भगवन भिलनी के बेर सुदामा के तंदुले, भिलनी बेर सुदामा के तंदुल रुचे रुचे भोग लगा, मेरे भगवन रुचे रुचे भोग लगाओ, मेरे भग देसी घी के बेसन के लड्डू, देसी घी के बेसन के लड्डू भोग बनाया आज मेरे भगवान ने, भोग बनाया आज मेरे भगवान आकर भोग लगाओ, मेरे भगवान आकर भोग लगाओ, मेरे भगे आओ भोग लगाओ, मेरे भगे सब देवों को संग मिलाओ, सब देवों को प्रभु संग मिलाओ, जीवन सफल बनाओ मेरे भगे, जीवन सफल बनाओ मेरे भगवन आओ भोग लग, मेरे भगवन आओ भोग लग, मेरे भगवन दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए, मेरे भगवन साग विदुर घर खाए, मेरे भगवन आओ भोग लगाओ, मेरे भगवन आओ भोग लगाओ, मेरे भगवन रुच रुच भोग लग, मेरे भगवन ऊँचे आसन तुम्हें बिठाया, ऊँचे आसन तुम्हें बिठाया, फूलों का प्रभु हार पहनाया, फूलों का प्रभु हार पहनाया, घिसे घिसे चंदन तिलक लगाया, घिसे घिसे चंदन तिलक लगाया, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, जीवन सफल बनाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन रुच रुच भोग लगा, मेरे भगवन रुच रुच भोग लगाओ, मेरे भगे। सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी का भोग निकाल देती हूँ, उसके बाद में कोई खाए, ठीक है। चलिए, मैंने अपने ठाकुर जी का भोग निकाल दिया है, और फिर आप लोग सब खा सकते हैं। तो ये मेरे लड्डू बन गए हैं, और मेरे ये रह गए हैं लास्ट दो लड्डू, और मैं इनको भी फटाफट बना देती हूँ। और आज मैंने जो बेसन के लड्डू बनाए हैं, आप लोगों को कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरा भजन कैसा लगा, भोग का जो मैंने बनाते बनाते भोग का भजन गाया है
वो भजन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको भोग का भजन भी इसमें मिलेगा। ठीक है, ये मेरा लास्ट लड्डू है और आज की मेरी वीडियो यहीं तक ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ और मेरे बेसन के लड्डू पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये कितना प्यारा छोटू सा लड्डू बना है। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा छोटू सा लड्डू बना है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।